Nagya avana, nagya avana, nagya avana, nagya avana.
Na 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 na
ग्यारह अवर्ध की है तब अस्थाई खत्म होती है, नहीं तो हमारे यहाँ चार अवर्ध हो गया कि अस्थाई अंतरा भी खत्म हो जाता। यहाँ पर अस्थाई खाली ग्यारह अवर्ध की है, सुन लीजिए मेहरबानी। Get it.
Nada, nada.
भाई और बहनों, मैं आपके सामने एक राग सागर करके सुना रहा हूं। ये सचमुच रागों का समूह को राग सागर नाम दिया। इसकी कविता मैं आपको सुनाता हूं। ये मन है मीर छाया परे शाम की, चहू देश में होवे कल्याण, हर दरबार में कहावे नायकी। ये अस्थाय और अंतरी की शब्द है। अब इसमें राग है, देख लीजिए। ये मन यमन है मीर हमीर, छाया छाया नट, श्याम की श्याम कल्याण। ये अस्थाय में चार हो गए। अब अंतरा, चहू देश में, सब देश भर में, उसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। देश होवे कल्याण, शुद्ध कल्याण, और हर दरबार में माने दरबारी कानरा, और कहावे नायकी, ये नायकी कानरा। ऐसे अस्थाय में चार और अंतरे में चार, ऐसे आठ राग का मेल है। और कविता का अर्थ आप देख लेंगे तो ये मन अमीर है, कब ईश्वर की कृपा हो जाए तो। फिर क्या होगा, चहु देश में होवे कल्याण, फिर उसका हमेशा सब देश भर में उसका कल्याण ही कल्याण। चहु देश में होवे कल्याण, और क्या होगा, हर दरबार में कहावे नायकी, हर दरबार में नायक कह के बैठेगा। ऐसे ईश्वर की कृपा हो जाने के बाद, ये कृपा है ईश्वर की। अब इसमें राग है, ये राग के जो मैं यमन बोलूंगा तो यमन के स्वर आएंगे, हमीर बोलूंगा तो हमीर का आएंगे, छाया नट बोलूंगा तो छाया छाया है, ना पा आ गया कि वहां छाया कि मैं छाया नट के स्वर होंगे। और श्याम कल्याण, श्याम यानी श्याम कल्याण, तो श्याम कल्याण के वहां पर स्वर आएंगे। चहु देश में, देश पर देश के स्वर आएंगे। होवे कल्याण, शुद्ध कल्याण आएगा। हर दरबार में दरबारी कानड़ा आएगा, और फिर नायकी नायकी कानड़ा। ऐसे आठ राग अस्थाय अंतरा में आपको सुनाता हूं। और फिर हम लोगों की अभ्यास की जो कुछ एक बात है कि हर एक सुर के ऊपर जैसा बदलता है, वैसे राग का नाम आ गया तो तान और बोलतान भी उसी में माफक आएगी। ये मन बोलते बरो यमन के सुर आएंगे, हमीर के तान हमीर के सुर आएंगे। ये उसमें एक बुद्धिवाद है, कठिन है, सहला नहीं है, इसको आधा घंटा गाने की ताकत नहीं है। क्यों, ये गाना जो है इस गाने का मन पर असर आनंद के लिए होता है, और बुद्धिवाद से जो बिगड़ जाए सिर तो इसमें 10 मिनट के बाद समझे कि इसको गाने लग जाए तो मेरा ख्याल है, और मुझे असर होता है। मैं इसको बहुत दिन से गा रहा हूं, आपको पता नहीं होगा, मैं इसको कम से कम 40 साल से गा रहा हूं। तो 5 या 7 मिनट के आगे इसको ज्यादा गाएंगे तो इसका रस कुछ नहीं रहेगा, और बेहुदा मालूम होता है कि क्या भाई, एक दफे सुर एक राग के ऊपर आने दीजिए ना भाई, ये आठ राग क्या करने, इस बात के ऊपर है। तो मैं आपके आप सामने, बहुत समय नहीं है, इसके आगे और 2-3 प्रोग्राम है, इसलिए मैं इसको जल्दी खत्म करता हूँ। इसमें अस्थाय अंतरा बोलता हूँ और उसके आलाप लूंगा, आलाप लेते वक्त उसके बोलतान शुरू करूंगा। और दोनों आज ये शेर बैठे हुए हैं, ये तो बच्चे हैं तो भी शेर के बच्चे हैं, और गोपाल जी तो क्या कहना, उसके सरंगी के नायक ही हो गए। तो ये जो काम चल रहा उस वक्त मुझे भी आप संभालिए, कहीं गलती स्वर में हो गया तो आप संभालिए, और गलती हो गई तो मैं मानने वाला हूं कि हाँ मेरी गलती हो गई, हो नहीं देगी ये मेरा काम, पर ऐसा है मैं भी मनुष्य हूं, कहीं गलती हो जाए तो मैं कहूंगा हाँ यहां मेरी गलती हो, आप ही समझ जाए। परंतु मैं पहले से गरूर साहब बात नहीं कर सकता, संगीत के बारे में गरूर करना बहुत खराब चीज है, नम्र नम्र चाहिए, तभी वो स्वर लगते हैं, तभी वो राग के नियम के बाद नियम के साथ ये राग गाना गाया जाता है। अब मैं बोलूंगा नहीं, उसमें टाइम और चला जाएगा, मैं इसको खाता ये माना
प्रभु देश में, देश में जम्मू देश में, देश में जम्मू देश में, जम्मू देश में, जम्मू देश में हो वे कल्याण हर दरबार में दरबार, हर दरबार में कहावे सब बोलता आस्ते यात्रा दोनों आया परेशान मगे
अब एक भजन गाता हूँ। श्री गिरिधर आगे नाचूं, गिरिधर आगे नाचूंगे, श्री गिरिधर आगे नाचूंगे, नाच नाच प्रिय दस कर जाऊं, प्रेमी जन को जाचूंगे, श्री गिरिधर आगे नाचूंगे, नाचूंगी श्री गिरिधर आगे, गिरिधर आगे नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी, श्री गिरिधर आगे नाचूंगे, श्री गिरिधर, श्री गिरिधर आगे नाचूंगी। चूंगे मीरा